सॉफ्टवेयर्स की अगली कैटेगरी है डीटीपी सॉफ्टवेयर्स, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हमें हेल्प करते हैं पब्लिशिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में। जैसे पब्लिशिंग रिलेटेड मतलब होता है प्रकाशन से संबंधित कार्य, प्रकाशन से संबंधित मतलब न्यूज़पेपर्स को डिज़ाइन करना, बुक्स, किताबों, मैगजीन्स को डिज़ाइन करना। तो तरह तरह के पैम्पलेट्स आप देखते हैं, ब्रोशर्स देखते हैं, तो इस तरह के पैम्पलेट्स को डिज़ाइन करना या ब्रोशर्स को डिज़ाइन करना, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उन्हें पब्लिशिंग कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि प्रकाशन कार्यों में इस वर्क को रखा जाता है। यूं समझ लीजिए कि वो सॉफ्टवेयर्स जिनकी सहायता से इस तरह के प्रकाशन कार्य, प्रकाशन पब्लिकेशन के डिजाइनिंग के टास्क इजीली किए जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डीटीपी सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए एमएस वर्ड पे भी हम टाइपिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप देखिए एमएस वर्ड पे आप कुछ लिखिए, कुछ लिखने के बाद अगर हम उसे थोड़ा सा नीचे लेकर आना चाहें तो आप इजीली नहीं ला पाएंगे। आपको उसे एंटर करना होगा, स्पेस दबाना होगा, बैक स्पेस देके पोजिशनिंग करनी होगी। अगर आप सोचोगे कि उसे इमेज की तरह मैं टेक्स्ट को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ले जाऊं या दाएं रखूं बाएं रखूं, तो वर्ड हमें यह परमिशन नहीं देता। तो प्रकाशन के कार्य में तो ये चीजें जरूरी हैं, आप लोगों हैं तो लोगों में टेक्स्ट को ऊपर रखना है या नीचे रखना है। हालांकि वर्ड में भी ये चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ईजी नहीं कही जाएंगी। यूं समझ लीजिए कि वर्ड में अगर आपने कोई चीज टाइप करी है, टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अगर उस टेक्स्ट को मूव करना हो तो आप इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल करने में टाइम लगेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हम नहीं कर सकते। वहीं अगर आप डीटीपी के सॉफ्टवेयर्स के पेज मेकर की बात करें, एडोब पेज मेकर की, पहले ये एल्डस पेज मेकर के नाम से जाना जाता था, अभी के टाइम पे एडोब पेज मेकर है, तो पेज मेकर में आप कुछ टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद आप उसे इजीली मूव करिए दाएं बाएं, कोई टेक्स्ट रैपिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आप टाइप कीजिए और माउस के कर्सर से उसे उठा के पेज के किसी भी भाग में ले जाइए। तो इसे बोलते हैं कि पब्लिशिंग का काम आसानी के साथ होना। और पब्लिशिंग के काम में ये जरूरत भी है कि हम डेटा को इजीली मूव कर पाए। तो न्यूज़पेपर की डिजाइनिंग करनी हो, बुक्स या मैगजीन्स को डिजाइन करना हो, तो वर्ड के बजाय प्रेफर किया जाता है पेज मेकर को। हालांकि पेज मेकर ही इस कैटेगरी का अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, आप कोरल ड्रॉ पे ये काम और इफिशियंटली कर सकते हैं। और तो और अभी के टाइम में जितना काम पेज मेकर में होता है वही काम उससे बहुत अच्छे तरीके से कोरल ड्रॉ पे किया जा सकता है। डिजाइनर्स कोरल ड्रॉ को बहुत प्रेफर करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए क्वार्क एक्सप्रेस नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो फाइनली आप यूं समझ लीजिए कि प्रकाशन संबंधित प्रक्रियाओं के लिए, पब्लिकेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस या डिजाइनिंग करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद लेनी होती है वो सॉफ्टवेयर्स डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। यही बात जो मैंने आपको बताई, यही एडवांटेजेस आप नोट भी कर सकते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब ही ये है कि मतलब कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करना। आप तभी कर पाओगे जब वो चीजें इजीली होंगी। अब वही चीजें अगर कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो आप कम समय में ज्यादा काम कैसे कर पाओगे। तो डीटीपी सॉफ्टवेयर्स इस बात को समझते हैं कि पब्लिकेशंस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, इजीली होने चाहिए, तो वो उसी हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं। रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कीमत घटती है। इम्प्रूव्ड अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और बेहतर तरीके से दिखाई देते हैं। रिड्यूस टाइम टू प्रिंट, ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें डीटीपी सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की हम कैटेगरी की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान, इन्फॉर्मेशन का गिव एंड टेक। अब जैसे मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ या आपसे कुछ कह रहा हूँ तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन है। अब ये बात अलग है कि मेरी बात आप तक जा रही है लेकिन आपकी बात मेरे पास तक नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेशन का एक प्रकार है। अब ये वन साइडेड कम्युनिकेशन कहा जा सकता है, एक ही तरफ प्रसारित होने वाला प्रसार या कम्युनिकेशन। जबकि आप टेलीफोन पे बात करते हैं तो टू साइडेड कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल पे आप बात करते हैं तो टू साइडेड कम्युनिकेशन होता है, मतलब दोनों तरफ से सूचनाएं आती और जाती हैं। फिलहाल सूचनाएं दोनों तरफ से आए जाए या एक तरफ से आए जाए, अगर सूचना आ रही है और जा रही है या फिर सिर्फ जा रही है या फिर सिर्फ आ रही है, वो कहलाएगा तो कम्युनिकेशन ही। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स जो कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं स्वाभाविक रूप से उन्हें
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यही बात यहां समझाई हुई है कि कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम डिजाइन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच। जैसे कई बार हम दूर रहकर किसी दूसरे के कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहें तो ऐसे कई सारे टूल्स अवेलेबल हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जैसे टीम व्यूअर आपने सुन रखा होगा, बहुत ज्यादा प्रचलित प्रोग्राम है। टीम व्यूअर के थ्रू आप दूर रहकर भी दूसरे के कंप्यूटर को यहीं बैठे हुए ऑपरेट कर सकते हैं। टीम व्यूअर के अलावा जूम के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहां तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जूम के थ्रू की जा सकती है, आपस में वीडियो कॉलिंग भी की जा सकती है। तो कुल मिला के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में डेटा ट्रांसफर, अब डेटा कई रूपों में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो या वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर सूचना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जा रही है तो जिस सॉफ्टवेयर की मदद से जाएगी वो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। जैसे आप मोबाइल पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो व्हाट्सएप का बेसिक पर्पज है इन्फॉर्मेशन का गिव एंड टेक करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, तो नो डाउट व्हाट्सएप भी एक तरह का कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, टेलीग्राम उसी तरह का एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में हमारी सहायता करते हैं और इन्हें कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। अगले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नाम से समझ में आता है, मल्टीमीडिया मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जहां पर डेटा के चारों टाइप्स, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इन चारों टाइप्स को मिश्रित कर प्रोडक्शन किया जा सके। जैसे आप किसी मैरिज की वीडियो शूटिंग की बात करें तो मैरिज की वीडियो शूटिंग में आप देखते हैं कि वीडियो शूट तो रहता ही है, उसमें ऑडियो, नए तरह के ऑडियो को इंटीग्रेट किया जाता है, बीच में तरह तरह की रास्टर और वेक्टर इमेजेस पुटअप की जाती हैं, बीच में तरह तरह के टेक्स्ट आते जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन का एग्जांपल है। कई बर्थडे पार्टीज का हम वीडियोस बनाते हैं, अभी आप मोबाइल में देखिए ऐसी कई तरह की एप्स हैं जो आपके रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को ऑप्टिमाइज करने का काम करती हैं। ऑप्टिमाइज करना मतलब आपने एक बार वीडियो कैप्चर करी, वीडियो रिकॉर्ड करी, अब उसमें तरह तरह के इफेक्ट्स डालना, तरह तरह के टेक्स्ट डालना, अलग अलग तरह की इमेजेस को बीच में पुटअप करना, तो ये सारे तरह के मतलब इन चारों टाइप्स पे, इन्फॉर्मेशन के चारों टाइप्स, मैं बार बार बोलता हूँ चारों टाइप्स, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो, इन चारों टाइप्स को एक ही जगह पर मिक्स करके, जहां पर जैसे जिन सॉफ्टवेयर्स में इस तरह की मिक्सिंग करके प्रोडक्शन किया जा सके, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। और बात इन्हें मिक्स करके प्रोड्यूस करने की नहीं है, अगर सॉफ्टवेयर केवल ऑडियो को ही ऑपरेट कर पा रहा है, केवल ऑडियो ही सुना रहा है, भले वो वीडियो नहीं कर पाता, ऑडियो ही सुना रहा है, तो भी वो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आएगा। अगर वो केवल इमेज एडिटर है, वैसे तो सिर्फ इमेज एडिटर को हम लोग ग्राफिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इमेज एडिटर है और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ऑडियो को सपोर्ट करता है, तो भी आप उसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख सकते हो। इस तरह के प्रोग्राम जो यूजुअली हम यूज में लेते हैं, साउंडफोर्ज हुआ या एडोब प्रीमियर हुआ, वीएलसी मीडिया प्लेयर हुआ, सोनी वेगास हुआ, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो मल्टीमीडिया कैटेगरी में रखे जाते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें है इंक्रीजेस लर्निंग इफेक्टिवनेस। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप किसी को कोई चीज सिखाना चाहते हो तो सिखाने के लिए अगर आप विजुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां जरूरत हो वहां पे इमेज का, जहां जरूरत हो वहां पे वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, तो सिखाना और ज्यादा प्रभावी हो सकता है। आप आज के इस टाइम पे देखिए तरह तरह की एप्स आ रही हैं सिखाने के लिए, उनमें तरह तरह के इफेक्ट्स दिए रहते हैं, तो उससे सीखना कहीं ना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जो सीखने वाला होता है उसे कल्पना ना करते हुए वो चीज सामने देखने को मिल जाती है, तो उसे ज्यादा कल्पना करनी नहीं पड़ती है, सामने चीजें होती हुई दिखती हैं तो उसे दिमाग में जल्दी बैठती हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट रिडक्शन, यानी आप देखिए एक बार हमने प्रोडक्शन बनाया तो प्रोडक्शन बनाने के बाद हम उसे कई बार यूज कर सकते हैं, कई बार आप लोग भी रिप्ले कर करके सुन सकते हैं। अब अगर आप लाइव क्लास की बात करें, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं किसी से, तो आप उन्हें कितनी बार आप सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, कई बार अपन भूल जाते हैं तो फिर उनको दोबारा अगले को मेहनत करना पड़ती है बताने में, लेकिन वीडियो में तो ऐसा है कि आप रिप्ले करके सुन सकते हैं।
यूजर फ्रेंडली बिहेवियर, इजी टू अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन इतने ज्यादा इजी हो गई हैं कि उनमें मिक्सिंग करना वगैरह बहुत ज्यादा इजी रहता है। मोबाइल में आप ऐप देखते हैं, इतने कई तरह की ऐप हैं जो वीडियो पे एडिटिंग करने में हेल्प करती हैं, और उसके लिए मेन बात है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। उसके टूल्स इतने इजी होते हैं कि हमें सामने देखकर ही समझ में आ जाते हैं, कहीं स्पेशल हमें उनको सीखने जाना नहीं पड़ता है।